लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटी बड़ा बहादुर है तुम्हारा बेटा, उस हट्टे कट्टे आदमी की ऐसी बड़ा। बेटी मुझे प्यास लगी है। राजा साहब आप पानी। दादाजी आप? दादाजी तुझे कैसे मालूम बेटी? मैंने जानती हूँ। अरे क्यों बानर मारती है? आया था मेरे साथ और कहती है मैंने जानती हूँ। मैंने जानती हूँ, दोपहर को हमारे स्कूल के पास आए थे, मैंने इन्हें पानी पिलाया था। दादाजी ये मेरी माँ और ये मेरा छोटा भाई। मैं और तेरा छोटा भाई? बड़ा भाई क्या बड़ा भाई? रामू शांति तुम दोनों भाई बहन एक साथ पैदा हुए हो, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। चलिए अंदर चलिए। आओ बेटी। दशरथ की तरह हम शरीर तो न छोड़ सके, घर छोड़ दिया। ऐसा लगता है इतने अरसे के बाद भोजन कर रहे हैं। दादाजी मिर्चे ज्यादा पड़ गए क्या? नहीं बेटे, खाना बहुत स्वादिष्ट है। फिर पानी क्यों आ गया आँखों में? तुम्हें देखकर, तुम्हारा प्यार पाकर। सुख और संतोष पैसे वालों के पास नहीं, महलों में नहीं, इन छोटे छोटे घरों में है। दूसरे का सुख दुख समझने वाले दिलों में है। बेटी हम भी कहीं रह जाए तुम्हारे पास? आपका कोई अपना नहीं है, तुम हो ना हमारे। जैसे हम आपके वैसे घर आपका शौक से रही है। हाँ हाँ शौक से रही है। चलिए चलिए। चलो सोने का समय हो गया, चलो आ गए। चलो राजी खुशी है बेटी, हम सब तरफ से बर्बाद हो गए। तुम जैसी देवी को घर से निकालते ही उस घर की सुख और शांति चली गई। पूर्णिमा चल बची, घर एक शमशान सा बन गया, भूत पिशाचों ने डेरा डाल रखा है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ पुजारी, कोई गोपाल दास चौरसिया नाम का ठेकेदार है, मालूम नहीं घर में कैसे और कब पैर जमाए उसने, आज वहां उसी का राज चल रहा है। पिताजी। बेटी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, घर चलो, उन बदमाशों को निकाल बाहर करेंगे। तुम्हारे घर में पैर रखते ही सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तरफ से हम समझाएंगे शेखर को।
सिफारिशों से जिंदगी नहीं सवरती पिताजी, परिवार नहीं सुधरते। माफ कीजिए पिताजी, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आ सकती। वो जब तक मुझे निर्दोष समझ के खुद लेने नहीं आएंगे, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी बेटी, पति पत्नी के बीच ये जिद अच्छी नहीं। ये जिद नहीं पिताजी, एक औरत की कमजोरी की आवाज है। उस दिन उन्होंने मुझे कुछ कहने की मोहलत ही नहीं दी, आपको सब कुछ बताने से भी इनकार कर दिया। मैं इस छोटे पाप के बोझ को उठाकर माँ और दुनिया से मुंह छुपाकर इस कुटिया में सांस ले रही हूँ, जी रही हूँ। वो भी अपने लिए नहीं, आपकी जायदाद के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। आज हमने तुम्हारे मन की वेदना को समझा है बेटी, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही चलो। बच्चों को यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, बस पिता कहने का सौभाग्य नहीं मिल रहा उन्हें, जिसके लिए वो हमेशा तरसते रहते हैं। कम से कम हमारे लिए घर चलो लक्ष्मी, वरना हम भी तुम्हारे बिना घर नहीं जाएंगे। आप भी यहीं रह जाइए, मैं आपकी भी सेवा करूंगी, समझूंगी समझूंगी, मेरे तीन बच्चे हैं। मेरे कहने के मुताबिक करोगे तो जीत तुम्हारी होगी। रामू, एकदम अंधेरा है, मेरे साथ चलना। अरे डरते क्यों है, तेरा भाई है तेरे साथ, चल। माँ, हम पिताजी के पास जा रहे हैं, चिंता मत करना, हम जल्दी ही पिताजी को लेकर आ जाएंगे। रामू शांति, पिताजी। चिंता मत करो बेटी, वो दोनों हमारे आशीर्वाद से गए, भगवान उनके साथ हैं। ठेकेदार गोपालदास चौरसिया की, ठेकेदार गोपालदास चौरसिया जिंदाबाद, ठेकेदार गोपालदास चौरसिया की। शांति, कहीं यही तो ओ ठेकेदार गोपालदास नहीं, वही होगा, चल देखें, चलो। शांति, मैं इस ठेकेदार के पास आऊंगा, तू आ जा, वो तुझे रख लेगा, तू देखती जा, उसका बाप भी रखेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। साहब, ये रुपयों की गाड़ी वहाँ पड़ी थी, शायद आपकी है। गुड बॉय, गुड बॉय। सेकंड। हेलो हेलो हेलो। लो। नहीं नहीं, मुझे रुपया नहीं चाहिए, नौकरी की जरूरत है। नौकरी तो अपन के पास नहीं है बेटा। रख भी लो बेचारे को, ईमानदार लड़का है। हाँ, ईमानदार। चल बैठ जा गाड़ी।
जी जी तुम्हें मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है? जी हाँ, एक दिन आप हमारे गांव में आए थे, नहर के किनारे बैठे थे, मैंने आपको अंबिया दी थी। हाँ हाँ याद आया, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? वो तो देने, आपका उस दिन गिर गया था। आप फिर सिगरेट पीने लगे, उस दिन तो कहा था मैं नहीं पीऊंगा। कहा था, लेकिन अब मेरे अकेलेपन का यही एक साथी है। आपके माँ बाप पत्नी कोई नहीं है? है, लेकिन कोई नहीं। फिर आप भी मेरे जैसी, मेरे भी सब है पर कोई नहीं। मेरी एक बात मानोगी? कहिए। तुम मेरे साथ रहो। रहूंगी, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही रहना होगा आपको। हाँ रहूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहो। अच्छा, मैं आपको क्या क्या कर पुकारूं? जो तुम चाहो। आप मेरे पिताजी जैसे हैं, मैं आपको पिताजी पुकारूंगी। मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? जब आप मेरे पिताजी तो मैं आपकी बेटी। अब जल्दी से दाढ़ी बनाइए, जैसे फोटो में दिखते वैसे दिखना चाहिए। अरे वाह वाह बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं अभी गया और अभी आया। हाँ जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतनी अच्छी रंगोली बनाई है। मेरी माँ ने सिखाई है। आओ चलें। पिताजी, भगवान के दर्शन नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। आओ। क्या बजरंगबली? ये क्या है? अरे ये तो भगवान के गहने हैं, यहाँ कैसे आए? ऐसा करते हैं शांति, तुम ये गहने अपने हाथों से भगवान को पहनाओ। जाओ। अच्छा। कितना अच्छा श्रृंगार है पिताजी। हाँ आओ चले, पहले नमस्कार करो। ओ हेलो 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 मुनीम साहब, आओ। तुम बिना वजह यहाँ फटकने वाले पंछी नहीं हो, जरूर कोई खास बात है। खास ही बात है, जरा अकेले में बात करेंगे। इस लड़के के सामने कोई हर्ज नहीं, अपना ही बच्चा है, बहुत भरोसे का है। बैठो बैठो। सोमनाथ कैसे हैं? उन्हीं की बात करने आया हूँ। बिल्ली के भाग से छीका टूट गया और राजा साहब घर छोड़कर चले गए। क्या, राजा साहब घर छोड़कर चले गए? और सोमनाथ की गुट्टी चढ़ गई। शेखर बाबू तो नाम के राजा है, बाकी धन दौलत पे तो सोमनाथ का ही अधिकार है। अगर आप चाहे तो अपने भी हर महीने की मांग बढ़ा सकते हैं। वाह वाह, क्या सुंदर समाचार सुनाया है, कलेजा ठंडा कर दिया। जरा मेरा भी कलेजा ठंडा हो जाए। बर्फ का पानी मंगाओ। मजाक छोड़िए, कई दिनों से आप कहते आ रहे एक देने के वादे करते आ रहे हैं। क्या देने? मेरा हिस्सा। हिस्सा कैसा? राजा साहब के बेटे शेखर और लक्ष्मी को अलग कराने के लिए मैं ही तो सोमनाथ को लाया था आपके पास।
उसमें का हिस्सा। कितने वादे किए कि भगवान के गहने ला दूंगा। गहने ला दो, अपन तुम्हें हिस्सा दे देंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? शांति, मैं हूँ, मैं रामू बोल रहा हूँ। ओ रामू, तुझे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बड़े मजे में हूँ, सेक्रेटरी हूँ उसका। एक खास बात कहने के लिए फोन किया तुझे। अच्छा, क्या खास बात? ओ मुनीम है ना, मुनीम बड़ा खतरनाक आदमी है। दिखता तो अच्छा है, आस्तीन का साफ है। उसने ही हमारे माँ बाप को अलग करने में सोमनाथ की मदद की है। बड़ा धोखेबाज है, उसका यकीन मत करना। शांति, पिताजी कैसे हैं? बहुत अच्छे, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे एक पल भी अलग नहीं रहते। शांति, मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। अभी नहीं, वरना सब चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा। रामू रॉन्ग नंबर। ये रॉन्ग नंबर क्या है? भैया ने फोन क्यों रख दिया? हेलो 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 हेलो, यही है रॉन्ग नंबर। कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? हाँ, आज सुबह से ही रॉन्ग नंबर लग रहा है। अरे हाँ, आज सोमनाथ से पैसा वसूल करना है ना? अरे हाँ, अच्छा हुआ जो तूने याद दिला दिया, अपन तो भूल ही गया था। और एक बात है सरकार। वो क्या? ओ नकली, अब असली जिम्मेदार बन बैठा, इसलिए थोड़ी सी रकम और क्यों ना बढ़ा दी जाए। हेलो हेलो हेलो, आजकल के बच्चे तो बड़ों के भी खान खाते हैं। आज से तू अपन का सेक्रेटरी जर्नल। पिताजी। बोलो बेटी। आपके पास ये माजी बैठी है। आप इन्हें बहुत चाहते हैं? कभी चाहता था। माँ आपको छोड़कर चली गई? नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? शांति, फिजूल के सवाल नहीं किया करते, जाओ अपना काम देखो। नाराज हो गई? नहीं पिताजी, इस लव खुश कहानी में मुझे एक संदेह, आप बुरा ना माने तो। पूछो पूछो बेटी। राम ने सीता को वन भेज दिया, क्या ये राम की गलती नहीं थी? मेरी माँ कहती है कि सीता का दुर्भाग्य था। हमारे मास्टर जी कहते हैं कि राम ने सीता को छोड़कर ऐसा अपराध किया कि उन्हें कभी नहीं माफ किया जा सकता। आपका क्या विचार है? अपराध किसका है कौन जाने। इसका मतलब आपको सीता वनवास की कहानी मालूम ही नहीं। मालूम है बेटी, लेकिन समझा